अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आपके यूपी टेट 2019 एग्जाम डेट न्यूज और दोस्तों यूपी टेट से संबंधित सभी बड़ी अपडेट्स इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 15 अक्टूबर 2019 की बड़ी अपडेट्स क्या क्या आ रही है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे आपके LT ग्रेड भर्ती। जी हाँ दोस्तों, चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का आज से होगा सत्यापन। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी दोस्त अगर LT ग्रेड से आते हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंचे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो उनके लिए खास है। अगर जो नहीं पहुंच पाएगा उनके लिए दिक्कत हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आज से ही सत्यापन है, तो मतलब आज पहुंचना ही पहुंचना है उनको। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे DLED और BEd के बच्चे यूपी टेट 2019 के नोटिफिकेशन के इंतजार में। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चों ने नया एडमिशन लिया है तो वो इस इंतजार में बैठे हैं कि भाई जल्दी से पता चल पाए यूपी टेट और DLED, ठीक, मतलब यूपी टेट में जो नए बच्चों को मौका मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसके बाद ही दोस्तों ये सब क्लियर हो पाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए यूपी टेट का पेपर देते हैं तो आप अभी तक आपके जो सीनियर बच्चे हैं तो उनकी सुनवाई दोस्तों अगली 16 अक्टूबर को लगी है कोर्ट में। तो मतलब आज 15 हो गया, तो मतलब सिंपल रहा है कि कल उनकी सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों एक चीज और देखेंगे इस वीडियो में हम लोग, कि एक बात का आपको ध्यान देना है कि हर भर्ती का रूल अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए आगे चलकर तैयारी करेंगे तो आपको इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि यूपी में जितनी भी शिक्षक भर्तियां आती है उसका रूल हर बार अलग अलग होगा, ऐसा सरकार कहती है। और दोस्तों सरकार के पास ये पावर है कि वो समय समय पर किसी भी नियम में बदलाव कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखकर पेपर की तैयारी करते रहना है और सभी बच्चे अगली भर्ती के इंतजार में। जी हाँ डेफिनेटली दोस्तों, जो भी बच्चे आजकल वेट कर रहे हैं कि सोच रहे हैं क्या 2020 वाली शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, और दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आपको 2020 में एक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। 2019 में कोई शिक्षक भर्ती नहीं है, इसका रीजन दोस्तों आपका ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती आप देख रहे हैं यही इसका रीजन है, क्योंकि दोस्तों ये शिक्षक भर्ती जब तक कम्प्लीट नहीं होगी तब तक कोई और नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। और दोस्तों एक और अच्छी बात है कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, तो बढ़िया बात है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे प्रदेश में प्रेरणा ऐप से अभी तक मात्र 70,000 शिक्षक ही जुड़ पाए। शिक्षक कर रहे हैं विरोध लेकिन शिक्षा मित्र हैं समर्थन में। जी हाँ दोस्तों, जो प्रेरणा ऐप सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया जिसका नाम कभी दोस्तों दर्पण ऐप से भी कहा गया, लेकिन दोस्तों इसका नाम जो भी है, तो फिलहाल अभी तक इसमें 70,000 ही शिक्षक जुड़ पाए और इसका विरोध कर रहे हैं काफी शिक्षक, लेकिन शिक्षा मित्र हैं समर्थन में। तो दोस्तों एक याद रखिए, जहाँ शिक्षा मित्र और शिक्षक जो होते हैं कभी भी वो साथ में नहीं खड़े दिखाई देते हैं, इसलिए दोस्तों आप जो ये देख रहे हैं कि लेकिन शिक्षा मित्र हैं समर्थन में, इसका रीजन यही है कि जहाँ टीचर और ये दोनों कभी साथ में नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए LT ग्रेड की अपडेट हम आपको बता देते हैं, उसके बाद और बात करेंगे यूपी टेट 2019 आवेदन को लेकर भी। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के 7 विषयों में सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन मंगलवार से शुरू होगा। सत्यापन 8 नवंबर तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8 तारीख तक आपका सत्यापन चलेगा। 15 अक्टूबर को शुरुआत 3 विषयों से होगी। 10 बजे से लेकर 1 बजे तक संगीत और कृषि पुरुष वर्ग के पदों के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा, जबकि वाणिज्य महिला और पुरुष वर्ग के पदों के लिए सफल अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन 1:30 से लेकर 5 बजे तक का होगा। उसके बाद दोस्तों सत्यापन आयोग दफ्तर में स्थित परीक्षा हाल के प्रथम तल पर किया जाएगा। सचिव जगदीश की ओर से जारी सूचना में स्पष्ट किया गया है कि सत्यापन में अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे इस पद के इच्छुक नहीं है और आयोग उनका परिणाम अभ्यर्थन निरस्त कर रिक्त हुए पद पर अग्रसर कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। देखिए दोस्तों यार, बच्चे लोग सालों साल मेहनत करते हैं लेकिन इनके पास एक दिन का टाइम नहीं होता। देखिए कितनी बड़ी बात लिखते हैं कि सत्यापन में अनुपस्थित होने पर यह समझा जाए दोस्तों कि जो बच्चे हैं इस पद के इच्छुक नहीं है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं, इंटर हाई स्कूल कहाँ कहाँ से पढ़ पढ़ कर आते हैं लंबे से, दोस्तों देखिए कोई दौर एक दिन का नहीं होता, कम से कम 10 से 15 साल की मेहनत होती है। और इसके बाद दोस्तों अगर आप एक दिन एबसेंट होंगे तो ये समझा जाता है इनकी ओर से जो जारी बयान है, तो आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कहते हैं इस वीडियो को थोड़ा अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, अगर कोई बच्चा LT ग्रेड का हो तो उन तक इस वीडियो तक पहुंचे। देखिए दोस्तों आप लोग शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक मेहनत से, क्योंकि आगे चलकर आप लोग को भी इसी शिक्षक भर्ती से होकर ही गुजरना पड़ेगा, तो आपके लिए भी दोस्तों अच्छा रहेगा। लेकिन आने होंगे
ये अभिलेख क्या लाने होंगे दोस्तों? अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से आवेदन पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र डाउनलोड कर इसे भरकर लाना पड़ेगा। साथ ही उन्हें हाई स्कूल इंटर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की मूल और फोटोकॉपी, स्नातक एवं शिक्षा स्नातक के अंक पत्र और प्रमाण पत्र की मूल और फोटोकॉपी लानी पड़ेगी। आरक्षण एवं निवास के दावे के संबंध में आयोग के उद्यतन प्रारूप पर जारी प्रमाण पत्र की मूल कॉपी और फोटोकॉपी भी लानी होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि गोंड और नायक का एसटी सर्टिफिकेट 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी किसी सरकारी सेवा में है तो उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी लाना पड़ेगा। साथ ही राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट साइज की 2 फोटो और 2 बगैर सत्यापित फोटो भी लानी होगी। तो दोस्तों ऐसा कुछ आपके साथ भी होगा जब आगे चलकर आप लोग शिक्षक भर्ती में कंप्लीट होंगे, तो दोस्तों आपको इस सब प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप भले आज यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो लेकिन आपका पूरा टारगेट होगा नए शिक्षक भर्ती 2020 को लेकर आप लोग उसकी तैयारी में जुट चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए आपने जो इस बात को लिखा है ना, इस बात को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि एक बात का ध्यान दें, हर भर्ती का रूल अलग होगा। जी हाँ दोस्तों, जी ये बच्चे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ये पूरा मामला चल रहा है, 1 साल होने को आ गया है दोस्तों। ये शिक्षक भर्ती आपको बता दें, इसका पेपर आपका हुआ था 6 जनवरी 2019 को, ठीक है? और दोस्तों आज आपकी 15 अक्टूबर 2019 हो चुका है, तो लगभग आप दोस्तों 10 महीने बीत रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यार ये शिक्षक भर्ती में अभी तक बच्चों को कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली, कुछ नहीं हो रहा है अभी तक दोस्तों। ये शिक्षक भर्ती में पासिंग मार्क तक निर्धारित नहीं हो पाया कि आखिर पासिंग मार्क क्या होगी। उसके बाद दोस्तों जो केसेस अलग से लगेंगे वो तो बाद की बात है, क्योंकि रिवाइज आंसर की जो की आती है दोस्तों उसके लिए भी सभी बच्चों ने ऑब्जेक्शन जबरदस्त डाल रखा है, तो वहां से भी दोस्तों आपका मामले में देरी हो सकती है। तो फिलहाल अभी ये जो सुनवाई चल रही है सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क को लेकर है। और दोस्तों एक और बात बता दें कि इसमें शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक दिया जा रहा है। अगर कोई शिक्षा मित्र होंगे तो उन्हें 25 अंक फ्री में दिए जाएंगे। तो लेकिन एक चीज और इसमें बताया हम आपको, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी दोस्तों उस पर और लोग बच्चों ने केस किया कि उन्हें 25 अंक का भारांक नहीं मिलना चाहिए। अब बताइए कोई मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला सुना रखा है कि 25 अंक का भारांक दो, तो उस मामले को दोस्तों देरी करने के लिए भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती शिक्षक भर्ती होने ही नहीं देना चाहते। और एक चीज और बताएं, जो सरकार को लगभग इससे 300 करोड़ रुपए का पर मंथ का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो या ना हो दोस्तों, कम से कम सरकार को ऐसा लगता होगा कि अगर 69,000 बच्चों को हम नौकरी देंगे तो 1 महीने में लगभग 300 करोड़ रुपए दोस्तों, जी हाँ दोस्तों डेफिनेटली 300 करोड़ रुपए इन्हें इनको पेमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, आप लोग को सैलरी जो मिलेगी सरकारी खजाने से ही आता है दोस्तों, सरकारी खजाना हमारे इनकम टैक्स से जाता है। तो यही सब है दोस्तों कि इसीलिए ये शिक्षक भर्ती तो यार फंसती जा रही है। तो आगे चलकर अगर आपको कभी भी नौकरी का कोई जुगाड़ चलेगा, मैटर बनेगा कि कोई शिक्षक भर्ती आएगी, तो आपको याद रखना यार कि पहले अटेम्प्ट में आपका सब कुछ क्लियर होना चाहिए। देखिए यूपी टेट में हम क्यों बोलते हैं, यूपी टेट और सी टेट को लेकर रोज वीडियो बनाने का हमारा एक ही रीजन होता है कि आप लोग को यूपी टेट में बिल्कुल अप टू डेट कर पाए। देखिए जितना ज्यादा आप लोग अप टू डेट रहेंगे उससे आपको देखिए फायदा क्या हो रहा है, आप समझ रहे होंगे इस बातों को कि कोई शिक्षक भर्ती आती है तो मतलब वो जल्द से जल्द कंप्लीट तो होती नहीं है, सालों साल लगते हैं, बेमतलब का दोस्तों कोई मतलब नहीं है शिक्षक भर्ती में देरी होने का। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि यार जो सभी बच्चे देखिए क्या है, अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि जो बच्चे साल नए बैच के भी निकल रहे हैं, डीएलएड 2017 बैच और बीएड का अगला बैच जो निकलेगा, सभी लोग इसी इंतजार में रहेंगे ना कि अगली शिक्षक भर्ती कब आए। लेकिन कुछ बच्चे आधी अधूरी तैयारी करके जाते हैं पेपर देने, तो अगर आप आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं ना तो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हैं। अगर आप लोग 4 सेमेस्टर में है कहीं पर भी है तो इस समय आप लोग को ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर आप लोग का अच्छे से अच्छा भला हो पाए। एक बात और आप लोग समझ रहे होंगे कि जो बच्चे बीएड और डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में है वो क्यों इंतजार कर रहे हैं यूपी टेट 2019 का, दोस्तों उसका रीजन ही है यूपी टेट 2019 का इंतजार करने का कि यार जल्द से जल्द जैसे भी यूपी टेट का फॉर्म है उसको अप्लाई किया जाए और मैक्सिमम नंबर गेन करने के लिए आगे बढ़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को अब मैक्सिमम नंबर चाहिए और मैक्सिमम नंबर 150 में होते हैं दोस्तों, 150। जब तक दोस्तों आपको 150 में 150 नंबर लाने की भूख नहीं रहेगी ना, तब तक आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और आपको कोशिश करना चाहिए कि आप लोग अधिक से अधिक नंबर ले आ पाए। देखिए अभी प्रेडा ऐप वाला क्या मैटर चला उसको भी देख लेते हैं। प्रेडा ऐप से अभी तक 70,000 शिक्षक ही जुड़ पाए। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी तक देखिए 80% शिक्षा मित्रों को इस ऐप से जोड़ा नहीं गया है। तो मतलब सिंपल सी बात है यार कि कुछ ऐप ऐसे आते हैं जिसको आपको जबरदस्ती जुड़ना पड़ेगा, लेकिन ये दोस्तों आपका सरकारी ऐप है
तो आप इससे बच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको आगे चलकर कोई छुट्टियां चाहिए होंगी तो सब कुछ आपको ऑनलाइन अपना रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा कि हमें इस डेट तक छुट्टी चाहिए। होता क्या था दोस्तों अभी तक, कि जैसे जो टीचर्स होते थे स्कूल नहीं जाते थे, ठीक है, तो उस दिन अगर चेकिंग आती थी तो आपका एब्सेंट लगता था, नहीं आती थी तो आप लोग मतलब एज अ प्रेजेंट कहे जाते थे। तो फिलहाल लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे आज की डेट में, आप प्रेरणा ऐप पर अपडेट नहीं करेंगे कि हमें छुट्टी चाहिए और आप लोग घर बैठ जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो कोई भी टीचर यार ऐसा नहीं चाहेगा कि अपनी नौकरी खतरे में डालकर छुट्टी ले, तो सिंपल सी बात है। तो अब आप सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है। कुछ ऐसे जगह हैं, जी हाँ दोस्तों, काफी बच्चों के अपडेट्स आ रहे थे, कुछ ऐसे जिले हैं यूपी में जहां पर टीचर कभी नहीं जाते और अपनी जगह क्या करते हैं, 2 से 5 हजार रुपये देकर, जी हाँ दोस्तों ये बहुत ही गलत है, टीचरों के द्वारा भी 2 से 5 हजार रुपये देकर वो करेंगे क्या दोस्तों, अपनी जगह किसी और को रख लेंगे। जैसे अगर आप लोग को किसी गांव में अगर आपका मतलब लग गई ये नौकरी, तो गांव के आप लोग किसी प्राइवेट टीचर को ढूंढ लेंगे, 5 हजार रुपये उसको पर मंथ सैलरी देंगे और आप लोग कभी नहीं जाएंगे पढ़ाने। तो मतलब ठीक है आपकी जगह कोई ना कोई पढ़ाता जरूर है, अच्छी बात है, लेकिन होता क्या कि आप जितने क्वालिफाइड हैं क्या वो उतना बच्चा क्वालिफाइड होगा। जैसे आप आज की डेट में दोस्तों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट के लिए, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो जो काबिलियत आपके पास होगी तो क्या किसी और के पास होगी, किसी के पास नहीं होगी दोस्तों। आप यूपी टेट में 150 नंबर लाने के लिए लड़ेंगे, उसके बाद दोस्तों सुपर टेट में भी 150 में 150 नंबर लाने की सोचेंगे। तो ये सब दोस्तों प्रोसेस होने के बाद आगे चलकर अगर एनटीए का पेपर होता है तो उसको देना पड़ेगा, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, इंटरव्यू तो नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस होकर मतलब आपको नौकरी मिलेगी, तो सोचिए कितना लंबा प्रोसेस होगा। उसके बाद अगर आप खुद नहीं पढ़ाएंगे तो कितनी गलत बात होगी। तो वही बात है दोस्तों कि प्रेरणा पाने का रीजन ही यही था कि भ्रष्टाचार यहाँ पर भी काफी हद तक बढ़ा, टीचरों ने अपना काम सही से नहीं किया, कुछ टीचर की वजह से दोस्तों सभी टीचर बदनाम हुए। देखिए दोस्तों यहाँ पर 99% टीचर अच्छे हैं, इसी याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी शिक्षक भर्तियां होती है तो उसमें जो टीचरों की जो अच्छी की बात होंगी, 90 से 99% टीचर अच्छे होते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 10% टीचर ऐसे होते हैं जो नाम बदनाम कर रहे हैं टीचरों का, तो उसी के चक्कर में दोस्तों ये सब जो ऐप आते हैं, जो इतनी सख्ती हुई, डायल 1000 नंबर आया जिसमें आप लोग टीचर के सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूपी टेट 2019 के कैंडिडेट बनना चाहते हैं और आप लोग को डायल 1000 के बारे में नहीं पता, तो उसकी अपडेट दोस्तों हम अगली वीडियो में करेंगे कि यार ये कैसे आया, टीचरों पर इतनी ज्यादा पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, रीजन क्या है। तो दोस्तों ऐसा सच्चाई है कि कुछ जगह ऐसे टीचर्स कर रहे हैं, उसके वजह से हर एक टीचर को भुगतना पड़ रहा है जो नए नए नियम आ रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग देखिए 69 हजार शिक्षक भर्ती की सुनवाई लगभग 1 साल हो गया आने को, उसके बाद दोस्तों इतनी चीज, इतना लंबा प्रोसेस आपका गुजर रहा है। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं। देखिए फिलहाल अभी तक यूपी टेट 2019 का आवेदन को लेकर दोस्तों यही अपडेट है कि ये दीपावली से पहले इसकी कोई नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मेन दोस्तों मान ली नोटिफिकेशन है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसे दोस्तों हमें देखना है कि जो बच्चे नए हैं डीएलएड और बीएड के, उनको क्या मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफी दिन से दोस्तों सभी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि यूपी टेट आएगा, यूपी टेट आएगा। तो दोस्तों जैसे ही आएगा हम सबसे पहले अपडेट करेंगे, और बेमतलब का किसी को दोस्तों फॉर्म नहीं भरना है कि 600 रुपये बर्बाद किया जाए, क्योंकि पेपर जैसे ही होगा दोस्तों सबसे पहले हम आपको फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे, तो वो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। ये मत करिएगा कि सबसे पहले चलो भरने के लालच में इसको भर लें, तो ये मत करिएगा गलती, ठीक है। तो दोस्तों एक और बात वीडियो के अंत में जाते जाते एक और बात दोस्तों कहना है कि अगर आप लोग को यूपी टेट से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए हो, तो दोस्तों इसके लिए हमने एक ऐप बनाया है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ से आप लोग काफी चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। तो यूपी टेट का दोस्तों ऐप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और हैव अ नाइस डे।